नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, ये 20,000 जीके का 11वां नंबर का पार्ट है। ठीक है, हम लोग 5-5 मिनट के वीडियो बना के देख रहे हैं ताकि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे। और इसकी पीडीएफ और हार्ड कॉपी आप यहां से मंगवा सकते हैं, दोनों की लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन में। जितने भी प्राइस दिखे हुए हैं इसमें, अगर आपको 20% का डिस्काउंट लेना है तो SSC ज्ञान उसमें यूज कर लीजिएगा कोड, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए, यहां तक हो गया था 115 तक। 116 में अगर आप देखें तो ये जो चार लिस्ट दी हुई है ये करेक्टली मैच है। देखिए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं UPPCS में कई बार, और उसमें आपको कुछ दे देंगे आपको डिजर्ट के नाम और किस कंट्री में उससे लोग से रिलेटेड। ठीक है, तो ये चारों जो है ये करेक्टली मैच है, फेल्ट है। जैसे साउथ अफ्रीका में अभी हमने देखा था, प्रहरी नॉर्थ अमेरिका में स्टीप्स है, यूरोप और सेंट्रल एशिया, और इलानोस है आपका ये साउथ अमेरिका में। फिर उसके बाद है कौन सा इनमें से आपका करेक्टली मैच है, बी वाला है करेक्टली ये मैच है। लानोस जो है ये वेनेजुएला में नहीं है। ठीक है, ये सॉरी, इसमें करेक्टली मैच नहीं पूछा है इसमें। नहीं, इसमें यही है, ये लानोस जो है ये वेनेजुएला में। अभी हमने देखा था इससे पहले भी वीडियो में, एक मैंने लिस्ट दी थी आपको, ये लिस्ट को रट लीजिएगा आप जरूर। ये जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाली लिस्ट है और आपकी टेम्परेट वाली, ठीक है, NCERT से लिया हुआ है ये। ईस्ट अफ्रीका में सवाना है, ब्राजील में कंपोज, वेनेजुएला में लानोस, ठीक है, लियानोस या फिर जो भी आप बोलें, अर्जेंटीना में है पंपास, अर्जेंटीना में भी है और यूरुग्वे में भी है और ब्राजील में भी है। याद रखिएगा ये पंपास कहाँ कहाँ है, अर्जेंटीना, यूरुग्वे और ब्राजील। साउथ अमेरिका में प्रेरी है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी है, और ये सब जो है टेम्परेट है। ठीक है, टेम्परेट एरिया में, ये सब ट्रॉपिकल एरिया में है। साउथ अमेरिका में फेल्ट है और सेंट्रल एशिया में स्टीप है, यानी कि यूरोपिया में, यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया में है डाउन। तो ये है इसमें, और यहां तक देख चुके थे हम लोग। आगे चलें तो 1617 हो गया था। फिर कौन सी कंट्री जो है ये आपकी अमेरिका में है, मतलब ज्योग्राफिकली, लेकिन पॉलिटिकली जो है पार्ट है यूरोप का, तो वो है आपकी ग्रीनलैंड, जो कि किसका पार्ट है, डेनमार्क का। ठीक है, फिर ये देखिए कुछ कंट्री की लिस्ट दी हुई है और उनसे जो उनकी डिपेंडेंट टेरिटरी है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की डिपेंडेंट टेरिटरी कौन है, क्रिसमस आइलैंड। तो ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा एक बार, थोड़े से अनकन्वेंशनल टाइप की जीके आ जाती है कई बार UPPCS में। डेनमार्क में है ग्रीनलैंड, फ्रांस में है सेंटा क्रूज, और स्पेन की है जो ये है मार्टिनिक। ठीक है, फिर वर्ड आइलैंड और ओनर कंट्री के नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, मतलब एक तरह से आप ये समझ लिए लिस्ट दी हुई है ये। ठीक है, अलूशियन आइलैंड इस समय किसका है, यूएसए का है, ये रशिया ने दिया था। बियर आइलैंड है नॉर्वे का, और ग्रीनलैंड है डेनमार्क का। ठीक है, अभी मैंने बताया फ्रांस जोसेफ आइलैंड ये किसका, रशिया का है। फिर ये कुछ कैपिटल वाली दी हुई है, कैपिटल वैपिटल तो नहीं आती है, लेकिन कोई ग्रेड बी ग्रेड सी एग्जामों में पूछ सकते हैं। पेरू की लीमा है, हेलसिंकी है फिनलैंड की, और इनमें से ये चार यहाँ पे कंट्री के नाम दिए हुए हैं, कौन सी कैपिटल नहीं है किसी भी कंट्री की। ठीक है, तो ये है सिडनी। फिर उसके बाद आप अगर देखेंगे इसमें, उसके बाद फिर ये कैपिटल वाले कुछ क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कैपिटल वाले तो इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑस्ट्रिया की है वियना, ये इतना इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कई जो यहाँ पे हेडक्वार्टर है यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये दिया हुआ है कि कौन सा सिटी जो है ये फॉरेन कैपिटल नहीं किसी भी जो गिवन कंट्री की, तो इसमें जो आंसर है ये डी है। ठीक है, ब्रिस्बेन। बाकी फिर ये वही है, कैपिटल वाली लिस्ट है, मेरे हिसाब से अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी ये इसकी। ठीक है, कैपिटल आप लोग एक बार देख लीजिएगा एक साथ ही, आप नहीं पूछते हैं PCS में, तो नहीं पूछते हैं, बाकी जगह पूछते हैं, ये जो बी वाले एग्जाम होते हैं उसमें आप लोग देख लीजिएगा जो इम्पोर्टेंट कैपिटल है उसकी लिस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे। इवन ये देखिए, ये क्वेश्चन 2016 के IAS प्री में भी आया हुआ है, कैपिटल और कंट्री से रिलेटेड। एक्चुअली ये वाले क्या होता है कि जो भी करंट में होती है ना कंट्री, उन्हीं से रिलेटेड ऐसा पूछ लेते हैं। ठीक है, यूपी जो लोअर PCS के एग्जाम है उसमें भी आते हैं ये ऐसे क्वेश्चन। तो ये सब चीजें हैं इसमें, कैपिटल वाली मैं स्किप कर रहा हूँ, काफी सारी हैं, क्योंकि कैपिटल कैपिटल है, आप एक साथ ही कर लीजिएगा, वही ज्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। ठीक है, सिलिकॉन वैली ये US में कहाँ लोकेटेड है, कैलिफोर्निया में। ठीक है, उसके बाद आपका पार्लियामेंट जो है साउथ अफ्रीका के कहाँ लोकेटेड है, केप टाउन में है ये। कांदाहार ये कहाँ पे लोकेटेड है, साउदर्न अफगानिस्तान में है ये। फिर इनमें से कौन कौन सी जो कंट्री है वो आर्कटिक सर्किल में ये पाई जाती है, वो है आइसलैंड। ठीक है, उसके बाद किस कंट्री को बोलते हैं लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, ये वाले जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। थाईलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट, गार्डन ऑफ लेक्स किसको बोलते हैं, ये बोलते हैं फिनलैंड को।
लैंड ऑफ द राइजिंग सन किसको बोलते हैं? जापान को. लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम बोलते हैं कोरिया को. ठीक है, वैसे मोस्ट जो इसका सुटेबल ऑप्शन होना चाहिए ये साउथ कोरिया होना चाहिए. तो लैंड ऑफ मॉर्निंग काम किसको बोलते हैं? साउथ कोरिया को. लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट किसको बोलते हैं? थाईलैंड को. गार्डन ऑफ लेक्स बोलते हैं फिनलैंड को. लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं जापान को. लैंड ऑफ मॉर्निंग काम बोलते हैं साउथ कोरिया को. डरबन कहाँ पे लोकेटेड है? साउथ कोरिया में. सन सिटी है साउथ अफ्रीका में. किस सिटी को बोलते हैं सिटी ऑफ कैनल्स? वेनिस. किस सिटी को बोलते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट? सैन फ्रांसिस्को. मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट बोलते हैं ओसाका को, जो कि कहाँ पे? जापान में. कौन से स्टेट जो है यूएस में, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रास स्टेट, ये है केंटुकी. किस सिटी को बोलते हैं स्मोक सिटी? शिकागो को बोलते हैं ये. किस सिटी को टर्की की बोलते हैं गेटवे टू द वेस्ट? ये है इस्तानबुल. और कौन सा सिटी है साउथ अमेरिका का जो बोलते हैं पेरिस ऑफ अमेरिका? ये है आपका ब्यूनोस एयर्स. ठीक है, इनमें से कौन सी जो सिटी है हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे लोकेटेड है? ल्हासा है ये. ये तो थोड़ा सा जीके वाला क्वेश्चन है, ये आपको याद भी रखना चाहिए इसको. ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है ये पाकिस्तान का, और नॉर्थ से लेकर साउथ तक. ऐसे क्वेश्चन भी आते थे बताइए आईएएस प्री में 2015 में, 2005 में. ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं वैसे. और इसके बाद है करेक्ट सीक्वेंस आपका है साउथ एशिया में, अगर आप देखेंगे साउथ से लेकर नॉर्थ तक, तो जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक, हनोई. 175 तक खत्म हो गए. ये वर्ल्ड ज्योग्राफी जल्दी खत्म होने वाली है, फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में आने वाले हैं हिस्ट्री और उन सब चीजों में. थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर.